का हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के सेंटर हैं, कि आप डिस्टेंस मोड से पढ़ना चाहते हो कि रेगुलर मोड से। ठीक है, मैं आपको यूनिवर्सिटी सारी बता देती हूँ, डिस्टेंस वाली भी बता देती हूँ और आपको रेगुलर वाली भी बता देती हूँ। उसके बाद आपको जिसमें ज़्यादा बेटर लगेगा, और उसके बाद मैं पहले ये भी देख लूँगी कि अभी BBA इस ईयर में, इसी ईयर सेशन से करना है आपको 2013 से। हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो है एक कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, एक इलाहाबाद है, एक सोवियत यूनिवर्सिटी है, एक हमारे पास CMJ है, एक चंद्रमोहन झा है, एक CV रमन है। ठीक है, अब जो डिस्टेंस में है वो होगी हमारे पास कर्नाटक स्टेट वाली दिवाली, ठीक है, विनायका मिशन होगी, ठीक है, जो ये जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, और एक इलाहाबाद होगी CV रमन, एक इसमें सोवियत भी है, सेंटर है वही, वो काट देना। हमारे कार्ड पे भी सब अप्रूवल है, अगर आप हमारे कार्ड देखोगे उसमें भी हमारे सारे अप्रूवल दिखाए हुए हैं, ये UGC से DEC से ये सबसे अप्रूवल है। ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटी है। इसमें एक हमारे पास जो होगी अब रेगुलर में चलेगी हमारी CMJ स्वामी रेगुलर का ऐसा है कि आपको डिग्री जो है वो रेगुलर मिलेगी, बट आपको वहाँ पे जाके क्लासेस नहीं लेनी, पढ़ना नहीं है, आपका रिकॉर्ड वहाँ पूरा बनेगा, पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, आपकी नोट अटेंडिंग भी लगेगी, अटेंडेंस वगैरह का आपको सारा रिकॉर्ड मिलेगा। हाँ, ये स्टूडेंट आ रहा है, पढ़ रहा है, स्टडी ले रहा है हमसे, क्लासेस ले रहा है, हाँ क्लासेस ले रहा है, हर चीज़ होगा, बट आपको जाना नहीं होगा। ये रिकॉर्ड मेंटेन मेघालय में, हाँ मेघालय में, जो सी यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड होगे करने का उसमें आपकी यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड सब वहाँ पर फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो डिग्री मिलेगी वो रेगुलर की ही प्रोवाइड होगी आपको। ठीक है, सारा शो ऐसा होगा कि आप वाकई में पढ़ते हो। ठीक है, ये रेगुलर का बता दिया मैंने और आपको डिस्टेंस का बता दिया। yes, हाँ, मानव भारती भी है हमारे पास। मैं एक बार और ये भी देखना, अभी प्रोसीजर ऐसे ही, अगर अभी तो खैर वो बैकडेट ही बनेगी नहीं, क्योंकि हमें ये भी चेक होता है, क्योंकि हाँ नहीं, यूनिवर्सिटी अभी किस टाइम पर आई है, अगर 2011 में ही आई है तो फिर 11 से आपका सेशन बनेगा। आप एक बार पता कर लीजिए। हाँ, मैं पता कर लेती हूँ। ठीक है, भी दिखा दूंगी और वैसे भी कंफर्म भी फोन पे भी बता दूंगी, लेकिन देखो कहीं भी एडमिशन लो तो कंफर्मेशन से लो, एकदम अपनी सर्टिफिकेशन पूरा करो। CMJ का क्या है? CMJ का ये चंद्रमोहन झा, ये भी मंगा लेगी, ये भी आपको रेगुलर डिग्री प्रोवाइड करवा, तीनों साल के एक बार। हाँ जी, तीनों साल के, एक साल के लिए। ठीक है, अच्छा पेपर वहीं होंगे यहाँ पर होंगे एग्जाम? हमारे होम सेंटर, आपके होम सेंटर, मतलब वहाँ से यहाँ पर हो सकते हैं। आईपी में है ना, इसके बाद से मैं देखूंगी कौन सी यूनिवर्सिटी में बनी। कैंडिडेट आए हैं BBA के लिए, BBA, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि मेरे को अभी मतलब कि इनको बैक डेट की मिल जाएगी डिग्री, और कौन सी यूनिवर्सिटी से अभी मिल जाएगी, क्योंकि नौ से 12 के सेशन में। ओके, CMJ से, वो तो मैंने बता दी है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमें मिल जाए इनको ये सोवियत यूनिवर्सिटी से मिल जाए जो मेरठ की है, सोवियत से मिल जाएगा, उसे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तो मतलब कि आप इनसे बता दो, इन्हें सोबित का ही थोड़ा पूछ, वैसे आपका CMJ में एक बार में हो जाएगा, तीनों साल एक बार में हो जाएगा, नौ से आपका नहीं, वो कह रहे हैं सोबित में भी हो जाएगा। हाँ, सोबित में हो जाएगा, मैं मना तो करा नहीं था, हाँ। नौ की बनी हुई है। हाँ। अच्छा, नौ से तो इनका सेशन हो ही रहा है ना, वैसे भी 2009 से इसको मान्यता प्राप्त हुई है। अच्छा, UGC उसने बोला की देखो हर यूनिवर्सिटी का कोई बात नहीं, सर से बात कर रहे हैं, वो बात तो पांच में नहीं बनी थी, पांच में मान्यता नहीं थी। अच्छा अच्छा, 2009 में हुई, ऐसा होता है ना, वो हमारे बोर्ड पे लिखे हुए बोर्ड पे लगा रखे है, अगर ज्यादा टाइम की होती ना खुद कह देती, 10 मिनट के लिए तो यहीं कहीं गए क्या आसपास? लंच के लिए आए। ओके, लंच के लिए आए। ओके, नीचे घर इनका पास में, नज़दीक में घर है ना। ओके, तो इंस्टीट्यूट कब से है मैम यहाँ पर?
ये तो पिछले साल से, पहले सर का साकेत में 2 साल रहा है, वहाँ पे खानपुर साइड में 2 साल रहा है, उससे अभी भी सर ने इधर शिफ्ट करा है, 2-2.5 साल तो वहीं चला है। सर तो इस लाइन में बहुत पुराने हैं। हाँ जी। और मुझे